गाइस, तो शाम के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? शाम के बज रहे हैं 7:30, मतलब 7:37 दिख रहा होगा आपको, 7:37 हो रहे हैं। और जैसे कि आप सोच रहे हो कि मेरे सामने पड़ा है कुछ सामान, तो मैंने मंगवाया है ग्रोफर से कुछ सामान। आप थोड़े दिन पहले मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की थी, आपको याद हो, वहाँ से हम ना चावल लेके आए थे, चीनी लेके आए थे, लेकिन हम इतने ही चावल और इतनी ही चीनी लेके आए थे जितना कि हम मतलब यूज़ कर सके बाकी, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था वहाँ पर हमें बिल्कुल अच्छे प्राइजेस में मिल नहीं रहे थे, क्योंकि हम करते थे इजी डे से शॉपिंग, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दयालबाग में, इजी डे हमें बहुत दूर पड़ता है, तो इजी डे दूर पड़ता है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस बार शॉपिंग जो है मतलब कि ग्रोफर से करते हैं। वैसे ग्रोफर से मैं नॉर्मली भी करती हूँ शॉपिंग, पहले भी मैंने मतलब ग्रोसरी की शॉपिंग जो है वो ग्रोफर से की है, तो पर ऐसा ना कि जो कमला नगर थी ना वहाँ पर ग्रोफर की शॉपिंग जो मतलब ग्रोफर जो करता था वो डिलीवरी नहीं करता था, बहुत ज़्यादा अंदर जाके पड़ जाता था हमारा जो घर है, और तो इनके ऑफिस में मैं करवाती थी पूरी की पूरी डिलीवरी अपने सामान की, लेकिन अभी इन्होंने ऑफिस दिया छोड़, और वैसे भी कोरोना टाइम में ऑफिस में करवाना, अभी अगर वो ऑफिस में काम कर रहे होते तो भी मैं ग्रोफर से नहीं वहाँ पर करवाती, तो इसलिए अभी यहाँ पर ग्रोफर जो है वो डिलीवरी करता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनका फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि ग्रोफर ना अपने खुद के भी प्रोडक्ट्स बेचता है और मतलब अपनी उसमें, और बहुत ही अच्छे और दाम में हमें सामान मिल जाता है। तो मैंने ग्रोफर से जो मंगवाया मैं आपको सब कुछ दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उस दिन गलती से ले आई थी दाल, कौन सी दाल ले गई थी, अरहर की दाल ले आई थी, चना दाल की जगह, तो अब मैंने ये मंगवाई है राजधानी की चना दाल मंगवाई है। चना दाल मुझे हर दाल में मैं इसको मिक्स करके खा सकती हूँ इस दाल को, ठीक है। और एक मैंने मंगवाया है जिंजर गार्लिक पेस्ट मंगवाया है, और एक छोटी वाली ये मंगवाई है, क्या कहते हैं इसको, मस्टर्ड सीड्स ना, मैंने मंगवाई है ये राई, जो छोटी वाली राई होती है ना वो मैंने मंगवाई है, और टाटा टी प्रीमियम मंगाई है चाय, आधा किलो का पैक है ये, और साथ में मैंने मंगाया है ये होल जो गरम मसाला होते हैं वो मंगाए मैंने, ठीक है। और ये तीन का मुझे पैक मिल रहा था, मतलब कि कॉम्बो पैक मिल रहा था, हरा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी का, तो ये तीनों का पैक मैंने मंगवा लिया, ठीक है। और ये चीज़ी बॉल्स मैंने मंगवाए हैं, ये कुरकुरे के आते हैं ना चीज़ी बॉल्स, मुझे वो बहुत पसंद है, तो कुरकुरे भी था, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिया, मुझे अच्छा लगा ये और टेस्ट भी अच्छा है, तो ये एक हमने खा लिया है। तो यहाँ पर मैंने सामान इसीलिए रखा होता है क्योंकि ये सामान आया था तो मैंने तुरंत इस पर सैनिटाइज़र मतलब वो कर दिया था, सैनिटाइज़ कर दिया था इस सारे सामान को, तो यहाँ से फिर हमने अभी शाम की चाय पी तो मैंने यहाँ से उठा दिया था। और ये है ड्राई टैमरिंड और इमली, मतलब सूखी हुई इमली है ये, और इसका मैंने मतलब पैकेट मंगाया, और ये ग्रोफर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं यार, ट्रस्ट में। और मैंने मंगाया है ये सोया चंक्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और वैसे खाने में गगन को पसंद नहीं है लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने मंगा लिए। और मैंने क्या मंगाया है, और मैंने मंगाई है सल्फर लेस शुगर, ग्रोफर की है ये, और बहुत ज़्यादा हमें लाजवाब रेट में मिली है, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में मिली है, तो ये मैंने मंगाई है। और वहाँ पर ना एक एक किलो वाला पैक था, 5 किलो वाला पैक नहीं था, फिर 2-3 महीने निकल जाते हैं ना अगर 5 किलो वाला पैक होता है, तो इसलिए हमने ये ले लिया, और इसमें फ़ायदा भी होता है, अगर हम 5 किलो वाला पैक मंगवाते हैं तो हमें फ़ायदा भी होता है। और मैंने मंगवाए हैं ये फॉर्चून राइस, फॉर्चून हमेशा बासमती राइस मैंने मंगवाए हैं ये, और ग्रोफर से बस यही सामान मैंने मंगवाया है ग्रोफर से। तो बताइएगा आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, मतलब शॉपिंग ही शॉपिंग होती जा रही है वैसे घर के लिए, और वैसे भी नए घर में ना अभी ऐसा है कि रोज़ कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा है ना वहाँ पर हम सामान ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि एक दिन यहाँ से हमें ये सारा सामान उठा के ले जाना पड़ेगा, अभी हमें पता है हमारा घर है, कहीं नहीं जाना है, अपना सामान ले लो भाई जो भी आपको ज़रूरत है, तो इसलिए हम सब सामान अपना जोड़ रहे हैं, धीरे धीरे अपनी गृहस्थी रख रहे हैं।
तो जैसे कि आप देख रहे हो ये हमने डाइनिंग टेबल ले लिया है, सोफ़ा हम बनवाएंगे थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं बनवाएंगे, मतलब एक बार हम अपने मैं ससुराल जाऊंगी उसके बाद में हम सोफ़े वगैरह का और हॉल वगैरह का काम स्टार्ट करवा देंगे, मतलब लग जाएंगे अभी 5-7 दिन। ठीक है, तो बताइएगा आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, आप लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।